जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि जो हमारी एनिमे कम्युनिटी है ये इस टाइम पर पीक पर है। इसके कुछ रीजंस भी हैं जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है। और तुम्हें सच बताऊं ना, 5-6 सालों में यही टाइम है जब जो हमारा एनिमे है ये इतने ऊपर आया है। स्टार्टिंग में कुछ ही एनिमेज थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, जैसे DBZ हो गया और पोकेमोन डोरेमोन, मतलब ये एक तरीके से जो स्टार्टर्स के लिए थे वो एनिमे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। लेकिन जैसे हमारा 2023 और 2024, इनमें ना जो हमारे दूसरे एनिमेज थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, जैसे कि JJK, जुत्सु काइसेन और साथ में नरूटो, डीमन स्लेयर भी। तो ये कुछ एनिमेज कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हुए और एक तरीके से तुम ये बोल सकते हो कि इनका एक ऐसा फैन बेस बन गया जो कि खुद को एनिमे लवर्स तो बोलता है लेकिन वो दूसरे एनिमेज को हेट करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ एनिमेज हैं वो जुत्सु काइसेन या फिर दूसरे एक दो एनिमे ही हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग इन्हें जज नहीं कर रहे कि तुमने बस एक ही एनिमे देखा या दो एनिमे देखे हैं, बस बात यह है कि दूसरे एनिमे इसको बेकार मत कहो। इससे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जो है एनिमे टॉक्सिसिटी, और आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या है हमारी एनिमे टॉक्सिसिटी और ये इतनी ज़्यादा ऊपर क्यों जा रही है। तो जब कोई एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो और उसके जो फैंस हैं वो उसी एक एनिमे को गॉड बना लें, और अगर कोई बंदा उनके सामने किसी दूसरे एनिमे की तारीफ भी कर दे तो उससे एकदम लड़ाई ही करने लग जाए कि भाई इससे अच्छा तो ये एनिमे देख, हमारे एनिमे से अच्छा कोई नहीं। और इसी वजह से काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं एनिमे कम्युनिटी में, लाइक बंदे लड़ते रहते हैं, और यही होती है एनिमे टॉक्सिसिटी। जैसे कि जो एनिमे है उसके बंदे उसके अंधभक्त बन जाते हैं, और ये चीज़ एनिमे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। और तुमने काफ़ी बार ये चीज़ें सुनी होंगी, एनिमे का 14 और साथ में एनिमे छपरीज, मतलब काफ़ी सारे बंदे छपरी बोलने लगते हैं क्योंकि बंदों की हरकतें ऐसी होती हैं। और तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा किस फैंडम के बंदे छपरी हैं, और वो फैंडम है हमारा जुत्सु काइसेन। सबसे पहली बात, मैंने एक पुरानी वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, जो गोजोज हैं उसकी फैन गर्ल्स। और वैसे हमारी एनिमे कम्युनिटी सच बताऊँ ना पहले काफ़ी ज़्यादा प्योर थी, लाइक एनिमे कोई बंदा देखता था वो बहुत ही रेयरली मिलता था कि भाई वो बंदा एनिमे देख रहा है, और हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती थी कि भाई क्या तू सच में एनिमे देखता है। मैं चलो तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर में एक बंदा मिला जो कि एनिमे देखता था, वो मेरे हॉस्टल में रहता था। भाई बस इस एक रीज़न की वजह से भाई हमारी बात स्टार्ट हुई और आज वो मेरा फ्रेंड है। क्या रीज़न था? क्योंकि बस वो एनिमे देखता था। लेकिन अब इतने बंदे एनिमे देखते हैं और क्या वो भाई खुद को कूल समझते हैं सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि मैं एनिमे देखता हूँ। तो मैंने तुम्हें एनिमे टॉक्सिसिटी के बारे में बता दिया है कि एनिमे टॉक्सिसिटी होती क्या है, अब ज़रा हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। सबसे पहली बात, JJK के फैंस जो जुत्सु काइसेन है उसके फैंस, भाई प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम लोगों से कोई नहीं लड़ रहा, तुम्हारा गोजो सबसे बेस्ट है, हमने मान लिया, अब देखो लड़ाई ख़त्म करो इस लड़ाई को। और तोजी की फिजिक, सबको तोजी की फिजिक ही बनानी है, कोई मना नहीं कर रहा, हमारा जो आधी एनिमे की टॉक्सिसिटी है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। बाकी कुछ फैंस हैं MHA के फैंस, तो भाई बहुत ही अजीब होते हैं, माय हीरो एकेडमिया के फैंस, वो उनका फैंडम भाई बहुत अजीब रहता है, उनके मीम्स बहुत ही ज़्यादा अजीब। और उससे अलग अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा छपरी पने से कैसे बाहर आएँ। सबसे पहली बात, तुम कॉस्प्लेयर्स भाई कॉस्प्ले थोड़ी अच्छी बनाओ, अगर तुम कॉस्प्ले अच्छी नहीं बना पा रहे चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर इतनी बेकार वाली हरकतें मत करो कॉस्प्ले के साथ। या फिर काफ़ी सारे बंदे ऐसे करते हैं, हमने बालों का कलर करा लिया गोजो बनने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बंदों को देखा है इंडिया में भी काफ़ी अच्छी कॉस्प्ले करते हैं वो। और सर बताऊँ, तुम लोग मुझे कोई हेटर वेटर समझ रहे होगे उन बंदों का जो कि बेचारे मेहनत तो कर रहे हैं कॉस्प्ले में, वेल नहीं, बस मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि तुम चलो अगर तुमसे बहुत अच्छी भी नहीं बन रही तो थोड़ा सा एक्टिंग, थोड़ी सी एक्टिंग तुम दिखाओ, जो थोड़ी सी ना तुम जो एक अपना कॉन्फिडेंस का लेवल होता है ना उसे ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ मत ले जाना। मैंने काफ़ी सारे बंदों को देखा है कॉस्प्ले इतनी अच्छी नहीं होती और वो भाई इतनी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, मेरा मन नहीं करता, लाइक मुझे शर्म आती है, जिसे हम क्रिंज बोलते हैं ना वो वाली हरकतें मत क्या करो यार। और कुछ दो तीन चीज़ें ही ऐसी हैं जिन्हें तुम ठीक कर सकते हो। देखो कॉस्प्लेयर्स को तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन बाकी जो हमारी ऑनलाइन एनिमे कम्युनिटी है इसके अंदर तुम लोग अपने एनिमे के लिए लड़ना बंद कर दो। भाई हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी बंदे को अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं, ये नहीं है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो दूसरे बंदे को पसंद आए, तो भूल जाओ इस लड़ाई को और आपस में भाईचारा बढ़ाओ, यही बोलना चाहूँगा मैं। ठीक है, आज की वीडियो हम भी एंड करते हैं। वेल थोड़ा सा मैं सेटअप में इंप्रूवमेंट करने वाला हूँ, 3-4 दिन लगेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर जाना। मैं लूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।